सो गाइस, अगर आप गेमिंग करना चाहते हैं या फिर फोटोग्राफी करना चाहते हैं, लंबी बैटरी वाला स्मार्टफोन चाहिए वो भी 10,000 रुपए के अंदर, तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट है। क्योंकि भाई इस वीडियो के अंदर मैंने बेस्ट 5 स्मार्टफोन को सेलेक्ट करा है जिनके अंदर काफी डिसेंट लेवल के फीचर्स आपको मिल जाते हैं। तो गाइस, यहाँ पे आपको एक पावरफुल चिपसेट मिल जाता है एंड 64 मेगापिक्सल कैमरा सेटअप मिल जाता है एंड इसी के साथ आपको लंबी बैटरी मिल जाती है और सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिल जाती है 120 हर्ट्ज़ के स्मूथ डिस्प्ले के साथ। सो गाइस, अगर आप जानना चाहते हैं कौन कौन से बेस्ट स्मार्टफोन है तो वीडियो को बिना इस पे एंड तक जरूर देखना। तो इन सभी स्मार्टफोन को आप 10,000 रुपए के कम बजट के अंदर खरीद पाएंगे। तो नंबर 5 से स्टार्ट करूंगा, धीरे धीरे नंबर 1 तक जाने वाले हैं एंड वीडियो के लास्ट में बताने वाला हूं कि किसी जरूर को कौन सा स्मार्टफोन बाय करना चाहिए। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड वीडियो को लाइक करना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, यहां पर आपका जो 5वें नंबर वाला स्मार्टफोन है वो स्मार्टफोन उन यूजर्स के लिए जिनको एक नॉन चाइनीज स्मार्टफोन चाहिए, यानी एक इंडियन ब्रांड का स्मार्टफोन चाहिए, इसके अलावा एक 5G स्मार्टफोन भी चाहिए। तो ये स्मार्टफोन परफेक्ट रहे जो कि 10,000 रुपए के बजट में आपको मिल जाता है। लावा ब्लेज 5G स्मार्टफोन है, अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ, काफी अच्छा स्मार्टफोन है। तो गाइस, यहां पर आपको डिजाइन वगैरह काफी प्रीमियम देखने को मिल जाती है, यानी बैक में ग्लास बॉडी देखने को मिलती है और बॉक्सी डिजाइन यहां पर आपको देखने को मिलती है। तो ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी काफी डिसेंट है एंड भाई ये स्मार्टफोन एंड्रॉइड 12 पर रन करता है एंड इसके अलावा 8.9 mm की थिकनेस है, यानी 207 ग्राम का ये स्मार्टफोन है। एंड इसके अलावा डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं तो भाई 6.5 इंचेस की फुल HD प्लस डिस्प्ले जो कि एक IPLCD पैनल है जिसके साथ आपको मिलता है 90 हर्ट्ज़ का स्मूथ डिस्प्ले, वाटरप्रूफ नॉच के साथ देखने को मिलती है। ओवरऑल डिस्प्ले की क्वालिटी ओके है एंड इसके अलावा कैमरा सेटअप के बारे में बात करते हैं तो यहां पर आपको बैक में ट्रिपल कैमरे का सेटअप है जिसमें मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का है, 8 मेगापिक्सल की सेल्फी है। तो इसके बैक कैमरे से आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं 30 FPS पर। तो गाइस, इमेज क्वालिटी यहां पर आपको ओके देखने को मिल जाती है एंड इसकी परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं। मीडियाटेक का डायमेंसिटी 700 वाला 5G चिपसेट यहां पर आपको देखने को मिल जाता है, यहां पर आपको 6 से 7 5G के बैंड देखने को मिल जाते हैं और बाकी में यहां पर आपको 5G की जो स्पीड है वो काफ़ी अच्छी आ जाती है अदर स्मार्टफोन से। एंड इसके अलावा यहां पर आप 3GB की वर्चुअल रैम ऐड कर सकते हैं, इसके अलावा ट्रिपल कार स्लॉट है यानी 2 सिम लगा सकते हैं और एक अलग से SD का लगा पाएंगे। अब भाई इसके अलावा 5000 mAh की बैटरी है, नॉर्मल चार्जर का सपोर्ट यहां पर आपको मिलता है। सिक्योरिटी के बारे में बात करते हैं तो साइड माउंट फिंगरप्रिंट है, फेस अनलॉक का सपोर्ट है जो कि इंस्टेंट वर्क करता है। अब भाई इसकी प्राइसिंग के बारे में बात करते हैं, 4GB का रैम, 128GB का स्टोरेज है जिसकी प्राइस आपको मिल जाती है 11,000 रुपए के अंदर, बट अभी सेल वगैरह चली हुई है तो ये स्मार्टफोन आपको 9,500 रुपए के अंदर आपको मिल जाता है। तो आप इस स्मार्टफोन को भी चेकआउट कर सकते हैं अगर आप एक इंडियन ब्रांड वाला स्मार्टफोन लेना चाहते हैं 5G कनेक्टिविटी के साथ, तो मेरे ख्याल से ये स्मार्टफोन आपके लिए बेस्ट रहेगा। सो गाइस, यहां पर आपका जो 4th नंबर वाला स्मार्टफोन है वो स्मार्टफोन उन यूजर्स के लिए जिनको एक काफ़ी डिसेंट सा स्मार्टफोन चाहिए, यानी आप अगर आप कह सकते हैं एक ऑलराउंडर सा स्मार्टफोन चाहिए, यानी अगर आप कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चाहते हैं तो ये स्मार्टफोन आपके लिए बेस्ट रहेगा, जो है कि इन्फिनिक्स नोट 12 जो कि 4G स्मार्टफोन है। तो गाइस, डिजाइन वगैरह काफ़ी अच्छी है, बिल्ड क्वालिटी डिसेंट है, बैक में प्लास्टिक बॉडी है, एंड्रॉइड 11 पर रन करता है एंड भाई यहाँ पर आपको 8.3 mm की थिकनेस है, यानी काफ़ी पतला लाइट वेट स्मार्टफोन है एंड 184 ग्राम का ये स्मार्टफोन है। एंड इसके अलावा ट्रिपल कार स्लॉट मिल जाता है एंड इसके अलावा डुअल स्टीरियो स्पीकर्स का भी ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल जाता है, तो आउटपुट काफ़ी अच्छा रहेगा ऑडियो का। डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं तो 6.7 इंचेस की फुल HD प्लस डिस्प्ले जो कि एक एमोलेड डिस्प्ले है जिसके साथ आपको मिल जाता है नॉर्मल 60 हर्ट्ज़ का स्मूथ डिस्प्ले, पंच होल कटआउट के साथ देखने को मिल जाती है। तो ओवरऑल डिस्प्ले की क्वालिटी अच्छी है एंड कैमरा सेटअप के बारे में बात करते हैं, बैक में ट्रिपल कैमरे का सेटअप है जिसमें मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का है एंड 16 मेगापिक्सल की सेल्फी है। तो इसके बैक कैमरे से आप 2K तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं 30 FPS पे। तो इमेज क्वालिटी यहाँ पर आपको अच्छी देखने को मिलती है। इसकी परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं तो मीडियाटेक का हेलो G88 वाला चिपसेट है, यानी काफ़ी पावरफुल चिपसेट है, डेली यूज़ के लिए स्मार्टफोन बेस्ट रहेगा और गेमिंग वगैरह भी आप इस स्मार्टफोन में कर पाएंगे। इसके अलावा 3GB की वर्चुअल रैम आप इस स्मार्टफोन के अंदर ऐड कर पाएंगे, इसके अलावा ट्रिपल कार स्लॉट है यानी 2 सिम लगा सकते हैं और एक अलग से SD कार्ड लगा सकते हैं। अब भाई बैटरी के बारे में बात करते हैं तो 5000 mAh की बैटरी है, 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है। इसकी सिक्योरिटी के बारे में बात करते हैं तो साइड माउंट फिंगरप्रिंट है, फेस अनलॉक का सपोर्ट है जो कि इंस्टेंट वर्क करता है। अब भाई इसकी प्राइसिंग के बारे में बात करते हैं तो भाई 4GB रैम, 64GB का स्टोरेज है जिसकी प्राइस आपको मिल जाती है 10,000 रुपये के अंदर, बट अभी सेल वगैरह चली हुई है तो 1,000 रुपये का डिस्काउंट मिल जाता है, तो 9,000 रुपये के अंदर आपको ये स्मार्टफोन मिल जाता है। तो कैमरा क्वालिटी यहाँ पर आपको ओके टाइप देखने को मिल जाती है, बाकी का यहाँ पर आपको सब कुछ डिसेंट मिलता है। सो गाइस, यहाँ पर आपका जो 3rd नंबर वाला स्मार्टफोन है वो स्मार्टफोन उन यूजर्स के लिए जिनको कम बजट के अंदर एक क्लीन इंटरफेस वाला स्मार्टफोन चाहिए, यानी बिना ब्लॉटवेयर के, तो ये स्मार्टफोन आपके लिए परफेक्ट रहेगा, जो है कि मोटो G32
रिसेंट स्मार्टफोन है। तो गाइस इसके मेन फीचर्स के बारे में बात करते हैं। ये स्मार्टफोन एंड्रॉइड 12 रन करता है एंड वाई बैक में प्लास्टिक बॉडी है, तो ओवरऑल डिजाइन वगैरह काफ़ी अच्छी है। इसके अलावा 8.49 mm की थिकनेस है, यानी काफ़ी पतला और लाइट वेट स्मार्टफोन है, क्योंकि 184 ग्राम का ये स्मार्टफोन है भाई। इसके अलावा डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं, तो 6.55 inches की फ्लैश डी प्लेयर डिस्प्ले, जो कि एक IPLCD पैनल है, जिसके साथ 90 Hz का स्मूथ पंचोल कटआउट के साथ देखने को मिल जाती है। तो ओवरऑल डिस्प्ले की क्वालिटी डिसेंट है। एंड इसके अलावा कैमरा सेटअप के बारे में बात करते हैं, तो बैक में ट्रिपल कैमरे का सेटअप है, जिसमें मेन कैमरा 50 MP का है एंड 8 MP का अल्ट्रा वाइड, 16 MP की सेल्फी है। तो गाइस यहाँ पर बैक कैमरे से आप 1080 में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं 30 FPS पर। इमेज क्वालिटी यहाँ पर आपको ओके देखने को मिल जाती है प्राइस के अकॉर्डिंग, एंड डे लाइट के अंदर काफ़ी अच्छी फोटो क्लिक कर सकते हैं आप इस स्मार्टफोन से। तो पिछले जितने भी स्मार्टफोन मैंने बताए उनमें आपको अल्ट्रा वाइड कैमरा देखने को नहीं मिलता है, ये ध्यान में रखने वाली बात है। एंड इसके अलावा इसकी परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं, क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 680 वाला चिपसेट है, यानी 6 nm वाला प्रोसेसर है, काफ़ी पावर एफिशिएंट प्रोसेसर है। तो नो डाउट जो परफॉर्मेंस आपको काफ़ी अच्छी निकाल के देगा, गेमिंग वगैरह भी कर पाएंगे। इसके अलावा हाइब्रिड सिम स्लॉट है, यानी एक सिम लगा सकते हैं और एक अलग से SD का लगा पाएंगे। 5000 mAh की बैटरी, 33 W की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाता है। एंड इसके अलावा 3.5 mm हेडफोन जैक यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पर आपको 2 साल का सिक्योरिटी अपडेट देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। अब भाई इसके अलावा सिक्योरिटी के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पर साइड माउंट फिंगरप्रिंट है, फेस अनलॉक का सपोर्ट है, जो कि इंस्टेंट वर्क करता है। प्राइसिंग के बारे में बात करते हैं, तो भाई यहाँ पर 4GB RAM 64GB का स्टोरेज है, तो इसकी प्राइस आपको मिल जाती है 10,000 रुपये के अंदर। एंड ऑफर वगैरह लगा के तो कम बजट के ही अंदर आप इस स्मार्टफोन को बाई कर सकते हैं। तो अगर आप क्लीन इंटरफेस वाला स्मार्टफोन लेना चाहते हैं तो आप इस स्मार्टफोन को चेकआउट कर सकते हैं। तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सो गाइस यहाँ पर आपका जो सेकंड नंबर वाला स्मार्टफोन है वो है पोको M4 Pro 4G स्मार्टफोन है, जो कि काफ़ी डिसेंट स्मार्टफोन है। तो गाइस डिजाइन वगैरह काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है, बैक में प्लास्टिक बॉडी है एंड इसका जो येलो कलर है ना वो काफ़ी यूनिक और अच्छा देखने को मिलता है। अब भाई ये स्मार्टफोन कुछ टाइम पहले 15,000 रुपये के अंदर मिल रहा था, बट अभी के टाइम पर ये सेल वगैरह चली है तो ये स्मार्टफोन अभी 10,000 रुपये के अंदर आपको मिल जाता है। इसके मेन फीचर्स के बारे में बात करते हैं, तो ये स्मार्टफोन एंड्रॉइड 11 पर रन करता है। इसके अलावा यहाँ पर आपको 8.8 mm की थिकनेस है, यानी 179 ग्राम का ये स्मार्टफोन है, जो कि काफ़ी पतला और काफ़ी हल्का स्मार्टफोन है। अब भाई इसकी डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं, तो 6.43 inches की फुल HD प्लस डिस्प्ले, जो कि एक AMOLED डिस्प्ले है, जिसके साथ आपको मिल जाता है 90 Hz का स्मूथ डिस्प्ले, पंचोल कटआउट के साथ देखने को मिलता है एंड कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन देखने को मिलती है। 90 Hz के स्मूथ डिस्प्ले के साथ आपको ये स्मार्टफोन देखने को मिलता है, तो ओवरऑल डिस्प्ले की क्वालिटी अच्छी है, कलर वगैरह अच्छे आ जाते हैं, क्योंकि AMOLED डिस्प्ले है तो यहाँ पर डिस्प्ले में कोई भी नरासा देखने को नहीं मिलेगी। कैमरा सेटअप के बारे में बात करते हैं, तो बैक में ट्रिपल कैमरे का सेटअप है, जिसमें मेन कैमरा 64 MP का है, 8 MP का अल्ट्रा वाइड एंड 16 MP की सेल्फी है। इसके बैक कैमरे से आप 1080 में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं 30 FPS पर। तो भाई इमेज क्वालिटी वाकई में ही काफ़ी अच्छी है, बजट के अंदर काफ़ी अच्छी इमेज क्वालिटी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। इसके अलावा इसकी परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं, तो मीडियाटेक का हेलो G96 वाला चिपसेट है, यानी काफ़ी पावरफुल चिपसेट है एंड काफ़ी हैवी लेवल की भी गेमिंग आप इस स्मार्टफोन में कर पाएंगे। अब भाई यहाँ पे ट्रिपल कार्ड स्लॉट है, यानी 2 SIM लगा सकते हैं और एक अलग से HD का लगा पाएंगे। एंड इसके अलावा डुअल स्टीरियो स्पीकर्स यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। अब भाई इसकी बैटरी के बारे में बात करते हैं, तो 5000 mAh की बैटरी है, 33 W की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। अब भाई प्राइसिंग के बारे में बात करते हैं, सबसे पहले इसकी सिक्योरिटी के बारे में बात करते हैं, तो साइड माउंट फिंगरप्रिंट है, फेस अनलॉक का सपोर्ट मिलता है, जो कि इंस्टेंट वर्क करता है। अब भाई इसकी प्राइसिंग के बारे में बात करते हैं, तो 6GB RAM 64GB का स्टोरेज है, जिसकी प्राइस आपको मिल जाती है 11,000 रुपये के अंदर। अभी सेल वगैरह चली हुई है तो 10,000 रुपये के अंदर आपको मिल जाता है बैंक वगैरह ऑफर लगा के, तो आप इस स्मार्टफोन को भी चेकआउट कर सकते हैं, काफ़ी डिसेंट स्मार्टफोन है। सो गाइस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपके अगले स्मार्टफोन की तरफ बढ़ते हैं। तो गाइस यो आपका पहले नंबर वाला स्मार्टफोन है, जो कि रियलमी नार्जो 50, काफ़ी डिसेंट स्मार्टफोन है। तो गाइस जब ये स्मार्टफोन लॉन्च हुआ था तो इस स्मार्टफोन की जो प्राइस थी वो 13,000 से 14,000 रुपये थी, बट अभी के टाइम पर ये स्मार्टफोन इस सेल के दौरान आपको मिल जाता है ओनली 9,000 रुपये के अंदर। तो गाइस काफ़ी डिसेंट फीचर्स आपको इस स्मार्टफोन के अंदर मिल जाते हैं, यानी अगर आप गेमिंग वगैरह भी करना चाहते हैं तो ये स्मार्टफोन आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो इसके मेन फीचर्स के बारे में बात करते हैं, तो ये स्मार्टफोन एंड्रॉइड 11 पर रन करता है, यानी 8.5 mm की थिकनेस है, यानी 194 ग्राम का ये स्मार्टफोन है, काफ़ी हल्का स्मार्टफोन है, यानी एवरेज कह सकते हैं आप। इसके अलावा डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं, तो
6.6 इंच की फुल एच डी प्लस डिस्प्ले जो कि एक LCD पैनल है, जिसके साथ आपको मिलता है 120 हर्ट्ज़ का स्मूथ डिस्प्ले एंड 180 हर्ट्ज़ का टच सैंपलिंग रेट है। पंच होल कटआउट के साथ देखने को मिलती है। ओवरऑल डिस्प्ले की क्वालिटी अच्छी है, कलर वगैरह यहाँ पर आपको अच्छे मिल जाते हैं, यानी काफ़ी स्मूथ डिस्प्ले यहाँ पर आपको मिलती है। अब भाई कैमरा सेटअप के बारे में बात करते हैं तो बैक में ट्रिपल कैमरे का सेटअप है, जिसमें मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का है एंड 16 मेगापिक्सल की सेल्फी है। तो इसके बैक कैमरे से आप 1080 में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं 30 FPS पर। तो भाई इमेज क्वालिटी यहाँ पर आपको अच्छी देखने को मिल जाती है, यानी डे लाइट के अंदर भी काफ़ी अच्छी फोटो क्लिक कर सकते हैं आप इस स्मार्टफोन से। अब भाई इसकी परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर आपको मीडियाटेक का हेलो G96 वाला चिपसेट है, यानी काफ़ी पावरफुल चिपसेट यहाँ पर आपको मिल जाता है। काफ़ी अच्छी लेवल की गेमिंग आप इस स्मार्टफोन में कर पाएंगे। अब भाई इसके अलावा ट्रिपल कार्ड स्लॉट है, यानी 2 SIM लगा सकते हैं और एक अलग से SD कार्ड लगा पाएंगे। बैटरी के बारे में बात करते हैं तो 5000 mAh की बैटरी है, 33 W की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है जो कि काफ़ी अच्छी बात है। एंड इसके अलावा अब भाई सिक्योरिटी के बारे में बात करते हैं तो साइड माउंट फिंगरप्रिंट है, फिर सनलॉक का सपोर्ट है जो कि इंस्टेंट वर्क करता है। अब भाई प्राइसिंग के बारे में बात करते हैं तो 4GB RAM 64GB का स्टोरेज है, जिसकी प्राइस आपको वैसे तो Amazon पर 10,000 रुपये मिलती है, बट अभी सेल वगैरह चली हुई है तो ये स्मार्टफोन ऑफर वगैरह लगा के 9,000 रुपये के अंदर आपको मिल जाता है। तो अगर आप पावरफुल गेमिंग स्मार्टफोन लेना चाहते हैं 120Hz की स्मूथ डिस्प्ले के साथ, तो मेरे ख्याल से ये स्मार्टफोन आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो गाइस ये थे आपके बेस्ट गेमिंग स्मार्टफोन जिनको आप खरीद सकते हैं 10,000 रुपये के बजट के अंदर। तो गाइस अगर आप कन्फ्यूज हैं कि भाई कौन सा स्मार्टफोन बाय करना चाहिए, भाई ने तो 5 स्मार्टफोन बताए, इसमें से बेस्ट कौन सा स्मार्टफोन है, तो भाई सजेस्ट करता हूं कि अगर आपको एक ऑलराउंडर सा यानी बेस्ट स्मार्टफोन चाहिए तो पोको M4 Pro 4G स्मार्टफोन काफ़ी डिसेंट रहेगा आपके लिए। इसके अलावा अगर आप गेमिंग करना चाहते हैं, यानी अगर गेमिंग के लिए स्मार्टफोन लेना चाहते हैं, तो Realme Narzo 50 काफ़ी डिसेंट स्मार्टफोन है, तो आप इस स्मार्टफोन को चेकआउट कर सकते हैं। एंड इसके अलावा अगर आपका कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। तो चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और आपसे मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।